मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों, आज गोंडवाना गठबंधन पार्टी के तत्वाधार में एसपी कार्यालय का चुनाव सभी आज कार्यक्रम आप लोग के बीच में आयोजित किया जा रहा है। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मंच पर अभी जो 20 तारीख को सलारपुर में गोंडवाना महासभा के द्वारा गोंडी धर्म पहांदी पारी कुपार लिंगो जी का जन्म उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शासन प्रशासन के द्वारा गोंडवाना समाज के लोग, आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के लोगों को उनके धर्म संस्कृति, उनके देवी देवालय, उनके पूजा पाठ का शासन प्रशासन के द्वारा आपत्ति विरोध किया गया है और उन्हें कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके संबंध में हमने आज कलेक्टर महोदय को और एसपी साहब के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि यह इस प्रकार की जो घटना अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता साथियों, तो यहाँ सारे नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, लेकिन गोंडवाना समाज के लोगों का जब कार्यक्रम होता है तो यहाँ बैठे चापलूस लोग, नेता लोग इस समाज को दबाने का काम करते हैं, उनकी धर्म संस्कृति, उनकी भाषा को दबाने का काम कर रहे हैं, जिसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद साथियों, आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश आदिवासी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के संबंध में महानुभाव थाना प्रभारी इलिमनाबाद श्री संजय जी दिवस जी के द्वारा सलारपुर का कार्यक्रम में जा रहे आदिवासी समाज के लोगों के साथ वहां तैनात पुलिस प्रशासन के द्वारा जाति सूचक गाली गलौज किया गया और उनको धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हुए उनके महापुरुषों को, देवी देवताओं को गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और आदिवासी समाज के लोगों को कार्यक्रम में जाने से रोका गया और बेवजह भूखे प्यासे थाना में कम से कम 5 घंटे तक बैठाए रखा, जिसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी घोर निंदा करती है और निम्नलिखित मांग प्रेषित करती है। इलिमनाबाद TI संजय दुबे को तत्काल बर्खास्त किया जाए और एट्रोसिटी एक्ट अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और सत्ता पक्ष के कार्यक्रम होते हैं तो सारे नियम कानून एक तरफ रख दिए जाते हैं और आदिवासी के कार्यक्रम में नियम कानून का वास्ता दिया जाता है और गाइडलाइन की बात बताई जाती है। ऐसा सतैला व्यवहार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका घोर निंदा करती है। और तीसरा है, 3 दिनांक 25/9/2021 को ग्राम बड़ी कारीपात्र थाना सिलिमनाबाद के अंतर्गत अनिल सिंह पिता कल्लू सिंह गोंड की हत्या के संबंध में जो मृतक के पिता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे महोदय, उनका रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं हुआ है और वो रिपोर्ट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो TI साहब हैं उनको बोल देते हैं कि आपकी रिपोर्ट दर्ज है और आज तक उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो, न उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। इसकी हम मांग करते हैं कि रिपोर्ट दर्ज हो और जो अपराधी है, उस हत्या में सम्मिलित है, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, ऐसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मांग करती है। चौथा है, विगत 20 तारीख को यही कार्यक्रम हुआ था, बजरंग दल के द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस पर हम लोग भी उसके प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, लेकिन वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने इस प्रकार का नारा बुलंद किया, क्योंकि हमारे देश भी मुसलमान रहते हैं, उनके साथ भी हमारा भाईचारा है कि उसमें बोला जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, लेकिन इस तरह का जो एक समाज के साथ दूसरे समाज को लड़ाने का षड्यंत्र बजरंग दल के जो पदाधिकारी उनके द्वारा किया जाता है, इसका भी हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी घोर निंदा करती है और असामाजिक तत्वों से मांग करती है कि ऐसे असामाजिक तत्वों का जो रजिस्ट्रेशन पंजीकृत है, इनका पंजीकरण रद्द किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अतः हम शासन प्रशासन से हमारी मांगों का अगर नज़रअंदाज करती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन कटनी शहर में करेगी, ऐसा हम लोग मांग करते हैं कि हमारा मांग को स्वीकार किया जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर ये जो अभी घटना घटी है
सलीमाबाद कारी पाथर में अगर उसके 10 दिन भीतर में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती।